हेलो गाइज, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। सो गाइज, मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक न्यू एडिट वीडियो के साथ। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं ओनली सिनॉप्सिस से बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है? सो गाइज, देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिनॉप्सिस से मैं बैकग्राउंड चेंज किया था। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको पास पहुंच जाएगा, ठीक है? सो गाइज, चलिए चलते हैं इंट्रो के साथ। सो गाइज, देख सकते हो मैं इस फोटो के अंदर करने वाला हूं बैकग्राउंड चेंज। तो क्या करूंगा, सबसे पहले सिनॉप्सिस के अंदर जाऊंगा, फोटो को इंपोर्ट कर लूंगा सबसे पहले। सो गाइज, देख सकते हो मैं सिनॉप्सिस के अंदर आ गया हूँ। और अब क्या करूँगा, देख सकते हो नीचे जो पेन वाला आइकॉन है उसको ऊपर एक क्लिक करूँगा लेफ्ट साइड में, देख सकते हो नीचे। और यहाँ पर क्या करूँगा, नीचे आ जाऊँगा। और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डुप्लीकेट एक्सपोर्ट, यहाँ पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर देख सकते हो नीचे जो प्लस वाला आइकॉन आ रहा है फ़ोटो का, कैट फोटो का, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है? सो गाइज, देख सकते हो इस बैकग्राउंड के ऊपर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड का सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइज, देख सकते हो बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब क्या करूँगा, इसका ऊपर सेटिंग फुल कर दूंगा, ठीक है? अब क्या करूँगा, यहाँ इसको डन कर दूंगा, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पर डन कर दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके। अब क्या करूँगा, ऊपर देख सकते हो शेयर वाला जो एक बटन है उसको राइट साइड में जो एक बटन है उसको ऊपर एक क्लिक करूँगा। और यहाँ पर देख सकते हो व्यू एडिट, यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर देख सकते हो जो ब्लू वाला आइकॉन है डुप्लीकेट एक्सपोर्ट, यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है? सो गाइस, देख सकते हो क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पर देख सकते हो पेन वाला जो आइकॉन है उसको ऊपर क्लिक कर दूँगा। और क्या करूँगा, थोड़ा फोटो को जूम कर लूँगा, अगर जितना जूम करके करोगे उतना ही अच्छा होगा। सो कुछ इस तरीके से जूम कर लूँगा और कुछ इस तरीके से पेंट कर दूँगा, ठीक है? सो गाइस, देख सकते हो बैकग्राउंड जो था वो आ रहा है, ठीक है? सो गाइस, आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। सिनॉप्सिस में यही एक बेस्ट तरीका है बिना कटआउट से बैकग्राउंड चेंज करना, ठीक है? सो गाइस, यहाँ पर मैं जो बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ड्राइविक लिंक मिलेगा, डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो गाइज, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट मोशन में कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो गाइस, देख सकते हो गया। अब क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में नीचे जो राइट क्लिक है डन का बटन है वहाँ पर क्लिक कर दूँगा और ये चला जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर क्लिक करूँगा और लेफ्ट साइड में जो ऊपर देख सकते हो यहाँ पर भी एक क्लिक कर दूँगा और हो जाएगा। सो गाइस, अब क्या करूँगा, फेस को वाइट करने के लिए जाऊँगा सिलेक्ट टूल्स के अंदर। सो गाइस, मैं सबसे पहले चला जाता हूँ सिलेक्ट टूल के अंदर और थोड़ा सा फोटो को जूम कर लूँगा। और जूम करने के बाद फेस को ऊपर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगा और जूम आउट करूँगा, ठीक है? सो गाइस, देख सकते हो जूम आउट करके एरिया सिलेक्ट कर लूँगा। सो सिर्फ फेस के अंदर ही सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन करना है, ठीक है?
सो गाइज देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, आपको भी कुछ इस तरीके से करना है ठीक है। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैं सिर्फ दो टूल्स यूज़ कर चुका हूँ और फोटो देखने के लिए कितना अमेजिंग लग रहा है ठीक है। सो गाइज अगर आप फेस और भी वाइट करना चाहते हो तो फिर से आपको जाना पड़ेगा पेन वाला आइकन के ऊपर और फिर से जाना पड़ेगा आपको सेलेक्ट टूल के अंदर ठीक है, और कुछ इस तरीके से फिर से आपको जूम आउट करके ब्राइटनेस बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को कम करके या बढ़ा करके देख सकते हो ठीक है ना। सो गाइज अब क्या करूँगा, सिर्फ एक लास्ट जो टूल से उसको यूज़ करूँगा ठीक है, विग्नेटेज को। सो गाइज देख सकते हो पेन वाला आइकन कर अंदर आ गया हूँ, अब नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर देख सकते हो विग्नेटेज ठीक है। सो इसको कुछ इस तरीके से कम कर दूँगा ठीक है, और जो नीचे वाला जो है उसको कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा ठीक है 2%। सो गाइज देख सकते हो गया। अगर आपको फ़ोटो सेव करना नहीं आता तो मैं अब सबसे पहले आपको वही बता देता हूँ, लेफ़्ट साइड में ऊपर देख सकते हो डन का बटन है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो फोटो हो जाएगा सेव ठीक है। सो गाइज वीडियो आपको ज़रा से पसंद आए तो वीडियो कर देना एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है।